सेफ सिटी के कैमराज में हम लोगों ने देखा है कि अभी एक वाक्या हुआ है कि छत गिरी है। 15 की कॉल हमें समटाइम रिसीव होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया है, तो उनको वापडा की हेल्पलाइन मोस्टली नहीं पता होती, तो वो 15 पे ही हमें इन्फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गटर का जो है वो ढक्कन नहीं है, तो बारिश वगैरह हो तो ये भर जाता है, ठीक है। इस सूरत में हम लोग फौरन वासा जो है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाजिन, किसी भी नागहानी सूरत हाल में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हमेशा अपना किरदार निभाती है। क्राइम की सूरत हाल से निमटने के साथ साथ सेफ सिटी किस तरह से शहरियों की मुख्तलिफ हालात में मदद करती है, आइए आपको दिखाते हैं। कॉल हमें समटाइम रिसीव होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया है, तो उनको वापडा की हेल्पलाइन मोस्टली नहीं पता होती, तो वो 15 पे ही हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो देन हम आगे वापडा को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस एरिया में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और अगर कहीं पोल के पास मतलब पब्लिक इकट्ठी हो तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा के तो फ़ौरन पुलिस को भी डिस्पैच कर देते हैं और वापडा को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो इस एरिया को जो है वो चेक कर लें कि क्या इशू है। बारिशों का सिलसिला क्योंकि शुरू है, तो सेफ सिटी के कैमराज में हम लोगों ने देखा है कि अभी एक वाकया हुआ है कि छत गिरी है। छत गिरने से नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बाइक आ गई है नीचे, तो हम लोगों ने इसको कवर किया है, हमने डिस्पैच किया पुलिस, डीएसपी इस्लामपुरा खुद गए हैं वहाँ पे और उन्होंने सारा मामला देखा है, रेस्क्यू पहुँचाई है, मैंने रेस्क्यू टीम से बात की है, और यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुशी की बात यह है। ये बताने का मकसद यह है कि सेफ सिटी जो है वो क्राइम के साथ साथ रेस्क्यू भी कर रहा है लोगों को इन मुश्किलात में और मॉनसून के मौसम में। बारिशों का सीज़न है, तो इस वजह से जो सेफ सिटी है वो क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ आवाम की जो जितनी भी सहूलतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह भी हेल्प प्रोवाइड की जा सके लोगों को उस तरह कर रहा है। तो हमने जैसे ही बारिश आई है उसके बाद पानी इकट्ठा हो गया, तो हमने दो डिपार्टमेंट्स जो हैं LWMC को भी जहाँ जहाँ कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा था उसको भी उठवाया ताकि सीवरेज का निज़ाम जो है वो ठीक हो सके। उसके अलावा वासा वालों को भी कॉल कर दी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो उन्होंने बर वक्त निकाल लिया, आवाम को आसानी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गटर का जो है वो ढक्कन नहीं है, तो बारिश वगैरह हो तो ये भर जाता है, ठीक है। इस सूरत में हम लोग फौरन वासा जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये यहाँ पे इस लोकेशन पे ये वाला मसला है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि शहरियों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, और उन डिपार्टमेंट जिनसे इस तरह के इशूज़ का ताल्लुक हो हम उन्हें फौरन इन्फॉर्म करते हैं, वो वहाँ पर पहुँच के इस तरह के जो है मसले मसाइल उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा काम मशकूक गाड़ियों और लोगों पर नज़र रखना है, सेम ऐसे बारिशों वाले हालात में या बारिशों के मौसम में हमारा काम सड़कों पे मौजूद पानी की निगरानी भी करना है। कहीं पे अगर पानी ज़्यादा तादाद में खड़ा है तो हमारा काम फौरी तौर पर वासा को शामिल करना है और वासा की हेल्पलाइन 1139 पे उनको इन्फॉर्म करके मौके पर जो पानी है उसको वहाँ से हटाना है ताकि शहरियों को मुश्किल ना हो। सेफ सिटी का मेन रोल यही है, किसी भी ऐसी अहम मकाम पर जहाँ पर कोई हादसा रुनमा हो सकता है तो हमारा काम है फौरी तौर पर वासा को शामिल करें और उस मौके को वहाँ से ख़त्म मामला जो है उसको क्या नाम देते हैं ख़त्म करवाया जाए। जब बारिश होती है ना तो एक तो हम लोग वीडियो वॉल से भी देखते रहते हैं कि बारिश का पानी कहाँ खड़ा है। इसके अलावा जनाब हमारी 15 की टीम बैठी हुई है जो कि वाली से फील्ड के स्टाफ से कम्युनिकेट करती है, तो वो भी हमें बताती रहती है कि इस जगह पर पानी खड़ा हुआ है। तो लोग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो FM को सुना करें, FM 88.6 को। इसके थ्रू ये होगा कि आप जब सुन रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन पॉइंट्स पर बारिश का पानी खड़ा है, वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार को किस तरह से हमें मैनेज करना है। और बहुत से लोग जब बारिश होती है ना तो ओवर स्पीडिंग करके जाते हैं, और जो आप कह लें मोटरसाइकिलिस्ट, अब वो तो महफूज हैं, जो गाड़ी में बैठने वाला है वो महफूज है, और जो बाइक राइडर है वो नहीं, जब पैदल चलने वाले हैं तो क्या लोग करते हैं कि जी ओवर स्पीडिंग करते हुए जाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। तो मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि खसूसन जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं या कोई साइकिल पर जा रहा है या पैदल चलते हुए जा रहा है तो उनका खसूसी ख्याल रखा करें।